बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। तुर्की ट्रैवल सीरीज में आज हम आपके साथ मुखातब हैं। आज हम आपको सैर कराएंगे कुचेली प्रोविंस का। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है इसमत, ये सी ऑफ मारमराए पे वाक़ है। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है अनतोलिया साइड का। आबादी के लिहाज से ये सिटी तकरीबन 4 लाख की आबादी है। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये तकरीबन 20 लाख के करीब इसकी आबादी है। आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए आसानी से मुहैया हो सके। आप देख सकते हैं ये शहर का अंदरूनी मंजर है। ये सुबह का टाइम है बेसिकली, इसलिए काफ़ी पुरसकून एरिया नज़र आ रहे हैं आपको। इसी लाइन में आप देखेंगे एक जामिया मस्जिद है जो ज़ेरे तामीर है। बहुत ही खूबसूरत जामिया मस्जिद बन रही है सिटी सेंटर के करीब। इसके अलावा हिस्ट्री की बात की जाए तो ये रोमन एम्पायर में एक ख़ास अहमियत रखता था। इज़मत का नाम निकोमीडिया था, ग्रीक वर्ड है ये, और मोस्ट सीनियर कैपिटल था रोमन एम्पायर का 286 से 324 तक। और उसके बाद अगर ओटमन एम्पायर की बात की जाए तो उसमें भी इज़मत शहर का एक ख़ास मकाम है। इसमें शायद टूरिस्टिक प्लेसेस के लिहाज से भी बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ पे आपको खूबसूरत नदियाँ, पार्कें, उसके अलावा तारीखी आसार वगैरह, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करते हैं। अगर सिटी की बात की जाए तो गुंजान इलाका है ये सिटी का, और आपको तमाम सहूलतें आसानी मिलती हैं मुख्तलिफ तुर्की के शहरों की तरह। इसके अलावा शेखा पार्क म्यूज़ियम, इज़मत क्लॉक टावर, इसके अलावा मुख्तलिफ सारे कदीमा के मकामात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। रियल इस्टेट प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शुरू हैं। और अगर आप मुवाजना करें इस्तांबुल का, तो इस्तांबुल के बनिस्बत इज़मत में रियल इस्टेट प्रॉपर्टी की कीमतें काफ़ी मुख्तलिफ हैं। काफ़ी पुरसकून इलाका है। अगर आप D100 हाईवे से आते हैं तो दाएं तरफ आपको सारा कोस्टल एरिया नज़र आएगा और बाएं तरफ मुख्तलिफ शहर, कस्बे और आपको गांव नज़र आएंगे। अगर आप इस्तांबुल यूरोपियन से सफ़र करते हैं तो तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। अंतोलियन साइड से ये तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र है और ये हाईवे अनकरा तक जाती है मुख्तलिफ सूबों से होती हुई। आपको शहर ब शहर लेके जाएंगे। इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि आपको मालूमात मुहैया की जाए इस्तांबुल के अलावा दूसरे शहरों की, ताकि आप आसानी से विज़िट कर सकें। और जो लोग मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर रहने चाहते हैं वो आसानी से एक्सप्लोर कर सकें।